हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज की रेसिपी है चिंग सीक्रेट सेजवान फ्राई राइस मसाला की। ये फ्राई राइस बहुत ही ज्यादा चटपटे और सुपर टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इसे बचे हुए चावल से भी इस इंस्टेंट मिक्स पैकेट से बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही ज्यादा टेस्टी चावल बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे लेना चिंग सीक्रेट सेजवान फ्राइड राइस मसाले का पैकेट। ये 10 रुपए का पैकेट है और ये 20 ग्राम का पैकेट है। इसके पीछे बनाने का तरीका लिखा हुआ है, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में 4 चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही 2 कटी हुई लहसुन की कलियां और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, छोटे टुकड़ों में कटकी हुई एक हरी मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप इसमें ऐड कर दें, वरना स्किप कर दें। लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में कटकी हुई, 1 गाजर को भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, 4 चम्मच ये फ्रोजन मटर है और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच स्प्रिंग ओनियन। यहाँ पर आप फ्रेंच बीन और कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। मुझे मटर पसंद है तो मैंने इसके लिए मटर ऐड किया है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसे 1 मिनट फ्राई करेंगे। 1 मिनट बाद इसमें 4 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। 4 चम्मच पानी जरूर ऐड कर दें, जिससे सब्जियां थोड़ी सी पक जाएं। और यहां पर इसे ढक्कन लगाकर सिर्फ 3 मिनट पकने देंगे। 3 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए सब्जियां काफ़ी अच्छे से तेल में फ्राई हो चुकी। दोबारा मैं इसे आपको चलाकर दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। सब्जियां फ्राई करने से पहले आपको चावल पकाकर रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बासमती राइस लिया था, जिसे आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया। उसके बाद इसे अच्छे से उबाल लिया है। अब यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर दूंगी सारी सब्जियों में। अगर आपके पास बचे हुए चावल रखे हैं तो आप ताजे चावल की जगह बचे हुए चावल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मसाले के पैकेट को कट कर लिया, चिंग सीक्रेट सेजवान फ्राई राइस मसाला इसमें ऐड कर देंगे और मसाले को यहाँ पर अच्छे से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम आपको एकदम या लो रखनी है। लो फ्लेम पर सारे मसालों को सब्जियों में अच्छे से मिला देना है। ये देखिए सारे चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसे लगातार इसी तरह चलाते हुए 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 1 मिनट हो चुके, सारे चावल अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुके और इसमें जो खुशबू है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और चावल को गर्मा गर्म हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये लीजिए, चटपटे और सुपर टेस्टी फ्राई राइस मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।